आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्क्वायर फुट को या फिर स्क्वायर फीट को गज में कैसे बदलते हैं, स्क्वायर फीट को यार्ड में कैसे बदलते हैं, स्क्वायर फीट निकालते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में सिखा देंगे। तो ये एक बार आप पूरा वीडियो देख लोगे तो ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। बहुत ही सिंपल से और आसान से लैंग्वेज में आपको सिखाने वाले हैं। तो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए सीखते हैं इसमें स्क्वायर फीट निकालना। मान लेते हैं ये कोई प्लॉट है, खेत है, घर है, ज़मीन है। अब इसका हमें निकालना है स्क्वायर फीट। इसका स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, इसको हम नाप लेंगे। ये इसकी मान लेते हैं चौड़ाई है, इसको कह देते हैं W। ये इसकी लंबाई है, इसको कह देते हैं L। तो यहाँ पे हम अगर नाप लें, जैसे ये लंबाई है, फिर ये लंबाई हो गई, ये खेत की चौड़ाई है तो ये चौड़ाई हो गई। तो अगर इसको हम नाप लें, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे आप ये 70 फीट, 50 फीट, 20 फीट, जो भी इसका मेजरमेंट हो आप यहाँ पे लिख लोगे। जैसे मान लेते हैं ये हमने लंबाई नापी, ये आ रही है 70 फीट। ओके, अब इसकी चौड़ाई हमने नापी, ये भी आ रही है 70 फीट। ये जो सिंबल होता है, ये जो निशान होता है, वो फिट का होता है। तो हमने इसकी चौड़ाई और लंबाई निकाल ली इस प्लॉट की। अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकालना सीखेंगे स्क्वायर फिट, फिर स्क्वायर फिट को गज में बदलेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं स्क्वायर फिट। तो स्क्वायर फिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुड़े चौड़ाई कर देंगे। इसकी लंबाई हमारी कितनी है 70 फिट, चौड़ाई भी हमारी कितनी है यहाँ पे 70 फिट। तो अब क्या करेंगे, 70 गुड़े 70 कितना हो गया, 490 स्क्वायर फिट। 490 नहीं, 4900 हो जाएगा। 70 गुड़े 70 कितना होगा, 4900, 490 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4900 स्क्वायर फीट। हमने इसका, इस प्लॉट का, खेत का स्क्वायर फीट हमने निकाल लिया है। ये स्क्वायर फीट ऐसे निकल जाएगा। अब हम ये कहें इसको अब बदलो, गज में बदलना है। तो गज में बदलने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक स्क्वायर गज बराबर होता है 9 स्क्वायर फिट। ये चीज़ आप याद कर लो, मतलब एक गज में होता है 9 स्क्वायर फिट होता है। तो हमें यहाँ पे प्लॉट का पता है कि कितने स्क्वायर फिट का प्लॉट है। तो यहाँ पे लिख लो चुपचाप से, 4900 स्क्वायर फिट इस प्लॉट का एरिया है। अब हम बदलेंगे गज में। तो हमें यहाँ पता है एक स्क्वायर गज होता है हमारा, स्क्वायर गज कहो या फिर वर्ग गज कहो। तो हमें पता है कि एक वर्ग गज होता है 9 स्क्वायर फिट के। तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर फिट की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर फिट की वैल्यू को 9 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, हमने यहाँ पे ऊपर बता रखा है कि एक वर्ग गज बराबर होता है 9 स्क्वायर फिट। अब इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 544.44। ये इतना आ गया हमारा किसमें, गज में, वर्ग गज कहें गज कहें, तो ये हमारा वैल्यू गज में आ गया। मींस ये 4900 स्क्वायर फीट कितने के बराबर हो गया, 544.44 स्क्वायर गज या गज कहें। अब बात हम करेंगे इसमें स्क्वायर यार्ड की। ठीक है, तो देखो स्क्वायर यार्ड जो होता है, स्क्वायर यार्ड आपका होता है स्क्वायर गज। स्क्वायर यार्ड बराबर स्क्वायर गज, मींस ये जो दोनों टर्म है, स्क्वायर यार्ड आप कह लो या फिर स्क्वायर गज कह लो, वर्ग गज कह लो इसको, मींस हिंदी में वर्ग गज अगर हम लोग कह रहे हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर और ये गज है, वर्ग गज हम लोग कह रहे हैं, तो इंग्लिश में उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्क्वायर यार्ड। तो हमारा यहाँ पर एक स्क्वायर यार्ड बराबर भी कितना होगा, 9 स्क्वायर फिट। तो सेम तरीके से हम लोग अगर हम स्क्वायर फिट निकाल लेते हैं तो वैसे ही स्क्वायर यार्ड भी सेम तरीके से निकाल लेंगे। जैसे हम लोग स्क्वायर फिट मान लो निकाल लिए थे 4900, तो डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारा स्क्वायर यार्ड निकल जाएगा। सेम वही चीज़ है। और इसमें एक चीज़ और आपको बताना है कि जैसे हमने निकाल के रखा था गज में प्लॉट को, जो पिछला वाला अभी आप ड्राइंग देख रहे थे, तो उसका आ रहा था कितना, 544.44 स्क्वायर यार्ड कह लो या फिर वर्ग गज कह लो। तो इतना हमारा
हमने बदल लिया था उसको गज में। अब हम ये कहेंगे गज में वैल्यू दी हुई है, इसको आप बदलो स्क्वायर फुट में, तो हम क्या करेंगे इनटू 9 कर देंगे। वहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 9 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फिट होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज़ हमारा जो आंसर आएगा वो स्क्वायर फिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप नोट कर लो कि एक एक स्क्वायर यार्ड बराबर होता है हमारा 9 स्क्वायर फिट, और अगर हम ये कहें एक स्क्वायर फिट में कितना यार्ड होता है तो वो होता है आपका 0.111 स्क्वायर यार्ड। अब ये वैल्यू कैसे आई, अगर हम इस एक को भाग कर दें 9 से तो कितना आ जाएगा, ये सेम चीज़ आ जाएगा। तो वही चीज़ है, एक स्क्वायर यार्ड में हमारा 9 स्क्वायर फिट हो रहा है, अगर स्क्वायर फिट की बात करें एक स्क्वायर फिट में कितना स्क्वायर यार्ड होता है तो वो इतना होता है। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली हैं आपके लिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो। ये वीडियो पसंद आई तो भी आप कमेंट बॉक्स में तारीफ़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।